हेलो फ्रेंड्स, गद्दी गडेरिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि नेपाल में गद्दी गडेरिया समाज कौन है, कहां रहता है, कहां पाया जाता है, कितनी जनसंख्या है, कुछ बेसिक सी जानकारियां जानेंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम जनरली बेसिकली पॉपुलेशन देखेंगे गडेरिया समाज की वहाँ पर कितनी है। तो फ्रेंड, आप ये फोटो देख सकते हैं, पीछे गगनचुंबी पहाड़ है जो कि बर्फ से ढकी हुई है और सामने बौद्ध मठ है। ये नेपाल का फोटो है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, ये जो मैंने वीडियो बनाई है इसका रेफरेंस लिया है फ्रेंड, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा जान लेते हैं फ्रेंड गडेरिया नेपाल के बारे में। तो देखिए, नेपाल में गड्डी गडेरिया शेफर्ड समुदाय जो है उसके बारे में कुछ बेसिक सी चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, नेपाल में गद्दी गडेरिया यानी कि जो शेफर्ड कम्युनिटी है वो गडेरी भेड़िहार के नाम से जानी जाती है, यानी कि नेपाली भाषा में गडेरियाओं को गडेरिया भेड़िहार बोला जाता है। उसके बाद देखिए, गद्दी गडेरिया नेपाल में मधेशी वर्ग में आते हैं। देखिए फ्रेंड, मधेशी कौन होते हैं? नेपाल में तीन तरीके के लोग रहते हैं। एक तो लोग वो हैं जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं, यानी जो सफ़ेद पहाड़ हैं हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर। फिर उससे क्या होता है, नीचे जो हिल्स होते हैं हिल्स पर रहते हैं। और तीसरे जो होते हैं फ्रेंड, वो समतल धरती पर रहते हैं। तो जो समतल धरती पर या छोटी हिल्स पर रहते हैं उनको मधेशी बोल देते हैं। इन लोगों का लिंक जो है वो इंडिया से है, यानी कि यहाँ पर ये जो ज़्यादातर लोग जो पाए जाते हैं मधेशी, इनकी जातियाँ, रहन सहन, खान पान, भगवान देवता, ये सारा सिस्टम क्या है, हिंदुओं से मिलता है, तो इसीलिए इनको मधेशी बोला जाता है। नेपाल में गडेरिया समुदाय की जनसंख्या ना के बराबर है। देखिए फ्रेंड, आप ये चीज़ समझ लीजिए, नेपाल में जो गडेरिया समाज की जनसंख्या है वो ना के बराबर है, लेकिन है, ये सबसे बड़ी बात है और सबसे अच्छी बात है कि है, लेकिन कितनी है? ना के बराबर। आपको कोई वहाँ पर जाट, गुर्जर, ये जातियाँ नहीं मिलने की। लेकिन फ्रेंड देखिए, जो हमारी गद्दी गडेरिया कम्युनिटी है वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद देखिए, नेपाल की जो जनसंख्या है वो 2.7 करोड़ है, यानी कि 2,70,00,000 है, जिसमें से गद्दी गडेरिया या भेड़िहार गडेरी समुदाय की जनसंख्या 26,000 के करीब है। तो फ्रेंड देखिए, लमसम हम 0.10% के करीब हैं, हम 1% भी नहीं है नेपाल की जनसंख्या के। बिहार में अधिकतर गडेरिया नेपाल से आकर भारत में बसे थे। देखिए, बिहार जो राज्य है, मैं बिहार का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बिहार में आज भी क्या होता है, गडेरियाओं की और नेपाल के गडेरियाओं की शादी हो जाती है, रोटी बेटी का संबंध है, यहाँ के बच्चे वहाँ भी आ जाते हैं, वहाँ के बच्चे यहाँ भी आ जाते हैं और व्यापार वगैरह होता है। तो ये सब चीज़ क्या है कि बिहार में जो अधिकतर गडेरियाँ हैं वो नेपाल से आकर ही बसे हैं। तो इसी कारण बिहार के गडेरिया समुदाय के लोगों का रंग रूप गोरा व साफ है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में अधिकतर गडेरिया किसी ज़माने में नेपाल से आकर यहाँ बसे थे। इसी कारण बिहार में गद्दी गडेरिया समाज को नेपाली भाषा में गडेरी भेड़िहार के नाम से जाना जाता है, ना कि हिंदी भाषा के गडेरिया शब्द से। देखिए फ्रेंड, अगर आप बिहार के कास्ट लिस्ट उठा के देखेंगे तो बिहार के कास्ट लिस्ट जो है उसमें गडेरिया या गडेरी, ये गडेरिया पाल वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो उनकी कास्ट लिस्ट में जो लिखा हुआ है वो नेपाली शब्द से उन्होंने, क्योंकि लोग नेपाल से आकर बसे थे तो नेपाली शब्द के ही उन्होंने अपनी जाति के अंदर डाल दिए हैं। अगर आप नेपाल में, बिहार में देखेंगे कि बिहार में गडेरिया शब्द किस नाम से जाना जाता है, तो गडेरी और भेड़िहार से जाना जाता है। और गडेरी और भेड़िहार जो है ये नेपाली शब्द है, क्योंकि लोग नेपाल से आके बसे थे तो इनको उसी नाम से जाना जाने लगा। नेपाल में गडेरिया लोग भेड़िहार, राउत और लखीमपुर जिले से लगे क्षेत्र में पाल टाइटल लिखते हैं। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए, नेपाल में गडेरिया नाम से एक जगह है। तो फ्रेंड, एक गडेरिया नाम से एक जगह पड़ती है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, विकिपीडिया पर देख सकते हैं, ये एक जगह पड़ती है। उसके अलावा नेपाल में धनगढ़ी नाम से एक जगह पड़ती है। तो ये दोनों चीज़ बताती हैं कि वहाँ पर हमारी कहीं ना कहीं जनसंख्या है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, भारत नेपाल के बॉर्डर पर गडेरी भेड़िहार समुदाय की जनसंख्या पाई जाती है। देखिए फ्रेंड, जो मैंने आपको बताया, जो चीन से लगा हुआ नेपाल है वहाँ पर हमारी जनसंख्या ना के बराबर है, कोई एक आध फैमिली जाके बस गई तो हम कह नहीं सकते। लेकिन जो भारत और नेपाल का बॉर्डर है, चाहे वो बिहार से लगा हो, चाहे उत्तराखंड से लगा हो, चाहे उत्तर प्रदेश से लगा हो, तो यहाँ पर हमारी जनसंख्या पाई जाती है। कुछ गडेरिया भाई नेपाल के ऊँचे पहाड़ों पर भी बसे हैं। आज भी बिहार व नेपाल में रोटी बेटी का संबंध होता है। उत्तर प्रदेश के नेपाल से लगे जिले जैसे लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बहरी, सरस्वती आदि जिलों में गडेरिया लोगों की शादियां एक दूसरे के बॉर्डर पार होती हैं, यानी कि नेपाल के लोग भारत में आके शादी कर लेते हैं और भारत के लोग नेपाल में जाके शादी कर लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये एक वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है। तो नेपाल की पॉपुलेशन देखिए 2.7 करोड़ थी 2011 में। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हर 10 साल बाद जनगणना होती है, तो अब अगली जनगणना कब होगी? 2021 में होगी। तो उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड, जो नेपाल की जनसंख्या है 2.7 करोड़ है।
उसका देखिए पॉपुलेशन ऑफ नेपाल, नेपाली गठरिया। तो देखिए फ्रेंड, जो गठरिया भेड़िया है उनकी जनसंख्या 26,337 है, जो कि नेपाल की कुल जनसंख्या का 0.10% है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, गठरिया गठरिया जो है वहाँ पे, जो गद्दी गठेरियाँ हैं, जिनको गठेरी भेड़िया बोल देते हैं, वो टोटल उनकी जनसंख्या कितनी है, 26,375। ठीक है फ्रेंड, तो उनमें से 26,000 के करीब तो हिंदू हैं, 150 के करीब क्रिश्चियन है, यानी कि उन्होंने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया है, और 125 के करीब के हैं बुद्धिस्ट हैं। लेकिन खास बात यह है फ्रेंड, इनमें जिन लोगों ने क्रिश्चियन धर्म फॉलो कर लिया है, तो उनमें भी ज़्यादातर लोग क्या है, उनकी शादियाँ ऐसा नहीं है, अब हर क्रिश्चियन में होने लगी हैं। तो जो गडरिया क्रिश्चियन है, उनकी शादी गडरिया क्रिश्चियनों में ही होती है। यानी कि सपोज़ करिए कि कोई एक परिवार ने धर्म अपना लिया है क्रिश्चियन, फिर दूसरे ने किसी ने अपना लिया, वो दूर का कहेंगे, तीसरे ने, चौथे ने, पाँचवें ने, तो उनकी इस तरीके से क्या हो रही है फ्रेंड, शादियाँ होती गडरियाओं में ही हैं। धर्म चेंज कर दिया लेकिन अपनी जाति चेंज नहीं की, ये सबसे गर्व की बात है हमारे समाज के लिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड, कि तेज़ी से नेपाल में क्या हो रहा है कि कन्वर्जन होता जा रहा है, क्रिश्चियनिटी में लोग कन्वर्ट होते जा रहे हैं, और मेरे हिसाब से सही भी है, गलत भी है। सही तो इसलिए है फ्रेंड, क्योंकि नेपाल में हिंदुओं को अधिकार बहुत कम मिल पाते हैं, वहाँ पे बुद्धिस्ट लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, और जो तराई क्षेत्र है उसमें मदेशी लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है। तो ये जो बौद्ध लोग कन्वर्ट हुए हैं, ये फ्रेंड ये पहाड़ी क्षेत्र में है, जहाँ पर नेपाली लोग जो हैं, पहाड़ी लोग जो हैं, उनकी जनसंख्या ज़्यादा है, और क्रिश्चियन लोगों की भी वहीं पर फ्रेंड कन्वर्जन हुआ। बाकी जो तराई क्षेत्र है उसमें बहुत कम लोग कन्वर्टेड हुए हैं। तो फ्रेंड देखिए, जहाँ पर आप किसी धर्म में, किसी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा है कि जिस समाज में जीवन स्तर नीचा हो, लोग नीचा दिखाते हों, तुम्हें, तुम्हारी कोई पहचान ना हो, तो उस धर्म को अपनाना बेकार है। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं फ्रेंड लिटरेसी रेट इन नेपाल। तो नेपाल में देखिए, जो गडेरिया भेड़ीहार हैं, इनके देखिए पुरुष जो हैं वो 61% पढ़े हुए हैं, और जो महिलाएं हैं वो 43% पढ़ी हुई हैं। उसके बाद अगर इनकी ओवरऑल लिटरेसी रेट देखें तो 50% पढ़े हुए हैं। यानी कि नेपाल में आज भी देखिए, हमारे लोग भारत में तो अनपढ़ हैं ही, कम बुद्धि वाले हैं, उसके अलावा क्या है फ्रेंड, नेपाल में भी यही कंडीशन है। इसीलिए लोग, हमारे लोग आगे नहीं बढ़ पाते, बिजनेस में नहीं आ पाते, जब हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, किताबों में आजकल हर चीज़ है, डॉक्टर की पढ़ाई है, बिजनेस की पढ़ाई है, राजनीति की पढ़ाई है, हर चीज़ है, लेकिन जब हम किताबों को छुएंगे नहीं तो हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी, हम चालाक चुस्त कैसे बनेंगे। तो नेपाल में देखिए फ्रेंड, अगर आप देखें तो नेपाल में आधे लोग तो अनपढ़ हैं और आधे लोग पढ़े लिखे हैं, ये बहुत शर्म की बात है। नेपाल के लोगों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, नई जनरेशन को पढ़ाना चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, हमारे लोग, इंडिया में भी ये समस्या थी, लेकिन धीरे धीरे इंडिया में क्या हो रहा है कि जो गडरिया लोग हैं उनकी लिटरेसी रेट जो है वो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन नेपाल में कुछ खास बढ़ोतरी नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड, जो वहाँ पे कास्ट कैटेगरी हैं, तो उसमें गद्दी गडेरिया समाज किस में आता है। तो फ्रेंड देखिए, इसमें यहाँ पे मधेसी कास्ट हैं, तो हम मधेसी अदर कास्ट, यानी ओसी का मतलब होता है अदर कास्ट, और वो ए कैटेगरी में आते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसमें गडेरिया आते हैं, और जो मधेसी अदर कास्ट बी कैटेगरी है, उसमें जिन लोगों की जो लिटरेसी रेट 50% से कम है, वो लोग आते हैं। तो ये चीज़ मानिए कि हम देखिए उन कैटेगरी में आ रहे हैं जो मधेसी अदर कास्ट हैं, जो जिनका लिटरेसी रेट 50% से ज़्यादा है। वैसे फ्रेंड, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि नेपाल में जो खास नेपाली जातियाँ हैं, या जो वहाँ के गुरखा वगैरह हैं, या ब्राह्मण वगैरह हैं, या राजपूत वगैरह, उनका लिटरेसी रेट तो फ्रेंड 90% तक है, लेकिन हम उनके कंपैरिजन में बहुत कम हैं। अब देख लेते हैं फ्रेंड, जो नेपाल में पॉपुलेशन है गडरियाओं की, तो मधेशी ग्रुप को इन्होंने, नेपाल की सरकार ने अलग तरीके से बांटा हुआ है। तो इसमें देखिए, जो यादव, देखिए मधेशियों में सबसे ज़्यादा कौन है फ्रेंड, यहाँ के यादव हैं, जिनकी संख्या कितनी है फ्रेंड, 10,54,000 हैं। दूसरे नंबर पे हैं फ्रेंड वहाँ पर तेली, जो तेली लोग होते हैं, यानी गुप्ता बनिया ये सब जो होते हैं ये लोग। तीसरे नंबर पर जो मधेशी लोगों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, वो कोयरी कुशवाहा समाज की है, और चौथे नंबर पर फ्रेंड क्या है, कुर्मी है। उस तरीके से देखिए फ्रेंड, जो गद्दी गडेरिया समाज है, इनका नंबर आता है 2,300 नंबर। तो ये लगा लीजिए, हम फ्रेंड टॉप 5 में भी नहीं है, टॉप 10 में भी नहीं है, टॉप 20 में भी नहीं है, हम 20 से भी बाहर हैं, और हमारी फ्रेंड देखिए जनसंख्या ही बहुत कम है वहाँ पर। ये फ्रेंड इनका सरकारी आंकड़ा है, जो गवर्नमेंट बनाती है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो ये मधेशी ग्रुप फ्रेंड मैंने वो लोग बताए हैं जो जिनका वास्ता इंडिया से है। नेपाल में ऐसे भी लोग हैं जिनका वास्ता इंडिया से कभी रहे नहीं, वो बौद्धिस्ट हैं या कुछ और है, अलग धर्म फॉलो करते हैं, बौद्ध धर्म फॉलो करते हैं, और भी इनके कई सारे धर्म हैं वहाँ पर वो फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अपने नेपाली भाइयों से भी रोटी बेटी का संबंध बनाइए, उनसे मिलने जाइए। मैं आपको बहुत सारे साइट्स बता दूंगा जहाँ पर गद्दी गडेरिया समाज के लोगों के घर मकान हैं, आप उनके गाँव में जाइए, मिलिए उनसे। थैंक यू फ्रेंड।